नमस्कार, स्पोर्ट्स की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चौथे मैच में हार के बाद टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अगला मैच पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जाना है। सीरीज में 3-1 से आगे चल रही टीम इंडिया रविवार को पांचवें मुकाबले के लिए पोर्ट एलिजाबेथ पहुंची। यहां पहुंचने पर टीम इंडिया का स्वागत अफ्रीकी अंदाज में हुआ। टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने आईपीएल शुरू होने से पहले ही अपनी जोरदार वापसी के संकेत दे दिए हैं। सौराष्ट्र की टीम से खेलने वाले जडेजा ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार शतक जड़ा है। जडेजा ने 116 गेंदों पर 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 113 रन की लाजवाब पारी खेली। चेन्नई सिटी और शिलोंग लाजोंग के बीच आई लीग फुटबॉल का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर छूटा। दोनों ही टीमों को गोल करने के मौके मिले थे, लेकिन खिलाड़ी उन्हें भुना नहीं सके। ड्रॉ मैच से मिले एक अंक के साथ शिलोंग लाजोंग 16 मैचों में 18 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। टेस्ट वनडे और टी20 में दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 15 फरवरी से खेले जाने वाली टी20 सीरीज से ठीक पहले उनकी चोट को गंभीर बताते हुए कुछ सप्ताह के लिए क्रिकेट से दूर रहने की बात सामने आई है। शीतकालीन खेलों में लंबे समय से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे शिवा केशवन ने 2 दशक से अधिक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया है। प्योंगचांग विंटर ओलंपिक की पुरुष ल्यूज एकल स्पर्धा में 34 स्थान पर रहने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एनएस टीवी के साथ। नमस्कार। जेनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।